हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:42। तो मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। आप लोग ये सोचेंगे कि आज मैं सुबह सुबह क्यों ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि आज है 4 सितंबर और आज है मेरा बर्थडे। तो आई एम सो एक्साइटेड, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई। वैसे मैं डेली भी जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जाना होता है ऑफिस, तो इसलिए। तो बट अभी जैसे ही उठी फिर छत पे आ गई। वाओ, कितना मज़ा आ रहा है। वैसे मैं पिछले 1 घंटे से छत पे हूँ, बट मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे अचानक से लगा कि चलो अपने सब्सक्राइबर फ्रेंड को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बता दूँ कि आज है मेरा बर्थडे, ताकि वो लोग प्यारे प्यारे विशेस करें मुझे। वाओ, देखिए सूर्य भगवान बिल्कुल अच्छे से निकल गए हैं। तो अभी मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग और योगा वगैरह किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुले आसमान के नीचे सांस लेना और मज़े करना, बहुत मज़ा आता है। तो हाँ, जो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरा बर्थडे है, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो ऑलरेडी मैंने किया है और प्लान है करने का। बाकी कुछ कुछ अनप्लान चीज़ें भी हो सकती है, तो आपको अब मज़ा आएगा। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। तो मेरी बहन ने बहुत प्यार से किया था मेरे लिए केक बेक, बहुत ही प्यारा सा था और बहुत टेस्टी भी था। एक्चुअली मैं चल रही थी शुगर, नो शुगर डाइट पे, लेकिन इतना टेस्टी था और मेरी बहन ने भी बोला कि हाँ ठीक है ना, खा सकते हैं। तो फिर इस वजह से मैं बोली हाँ ठीक है, और उसने बहुत प्यार से बनाया था। हाँ, केक उसने मेरे सामने बेक किया था, लेकिन डेकोरेशन उसने मुझसे छिपा के किया था, जो कि मुझे रात को देखने के लिए मिला। और मुझे लगा था कि शायद ये 4 को कटवाएगी केक, तो इसलिए मैं कूल थी कि हाँ। लेकिन इन लोगों ने मुझे रात में ही केक करवाया, जो कि मैं सो चुकी थी पूरी तरह से। इन लोगों ने, सब ने मुझे जगा के बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और अच्छा लगता है ऐसे बर्थडे पर आपको सरप्राइज मिले, किसको नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। हैप्पी बर्थडे टू डियर डी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक का टेस्ट का बताइए कैसा है टेस्ट। फिर मॉर्निंग में नहा धो के फ्रेश होके पूजा कर गया। फिर मैंने मंगवाया अपना फेवरेट कचौड़ी और आलू की सब्जी। आप दिल्ली में हो और कचौड़ी और आलू की सब्जी नहीं खाए तो क्या खाए। बहुत मज़ा, एक दिन चीट करना बनता है। फिर हमने बनाया आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल। तो अब आती है बारी इवनिंग की, तो हाँ ऑब्वियसली सबको पार्टी देना भी बनता है। तो हम लोग गए डिनर पे, तो डिनर के लिए हमने चूज़ किया, मतलब ऑलरेडी रिजर्व किया गोला सिजलर, जो कि हमारे घर से थोड़ा नज़दीक है, तो हमने डिसाइड किया वहीं पे जाएंगे। तो हम लोग सब वहाँ गए और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सब कुछ था, माहौल भी अच्छा था। और बर्थडे थी तो ऑब्वियसली हमेशा ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था। तो खूब सारा वीडियो इन्होंने लिया, बहुत सारा रिकॉर्डिंग, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। और हाँ, आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है और मैंने जो मेकअप किया है वो कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग बताना। तो क्योंकि मेरा स्पेशल डे है, ये मेरी ड्रामा क्वीन जो कि मेरे साथ साथ, हमने इतना ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर में हैं। हम लिप पे ही मस्ती कर रहे थे, हम फ्लोर पे भी मस्ती कर रहे थे, मतलब कुछ तो कर रहे थे, क्योंकि ये लोग पीछे रह गए थे, तो हम दोनों खूब मस्तियाँ कर रहे थे।
फिर हमने देखो अभी भी लिफ्ट में हम मस्तियाँ कर रहे हैं, तो हमने बहुत मस्ती की थी। उसके बाद काफ़ी मस्ती के बाद हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जी हाँ गोला सिजलर पहुँच गए हम। फिर हमारा टेबल ऑलरेडी था बुक, फिर हम जाके सारे लोग बैठे चेयर पे बैठ गए। एक्चुअली हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑब्वियसली जब आप रेस्टोरेंट जाते हो कि थोड़ा म्यूजिक होगा, थोड़ा डांस करेंगे, सब होगा, बट उस दिन था मैच और मैच की वजह से पूरे रेस्टोरेंट में कोई गाना नहीं, कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैच चल रहा था। तो अब हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि मेरा भाई बोला था नहीं चलते हैं किसी और रेस्टोरेंट। हाँ तो बताओ सबको कि क्या घटना घटी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाउड म्यूजिक और वहाँ पे चल रहा म्यूजिक बहुत, हाँ म्यूजिक ही नहीं चल रहा था, मैच कुछ भी नहीं चल रहा था, तो वो वाइब्स ही नहीं आई। तो हम आप फिर से पिछले टाइम जहाँ गए थे द लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक वहीं जा रहे हैं। हाँ तो मैच में इंटरेस्ट नहीं है भैया हमें, तो हम क्यों एंजॉय करें। हाँ अपडेट हम लोग देख लेंगे कि क्या हुआ, बट मेरे को इतना नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट में भी जाके मैच देखूँ, इतनी बड़ी शौकीन नहीं हूँ मैं। और वो भी यार बर्थडे के दिन। हाँ और बर्थडे गर्ल को थोड़ी सी वाइब्स तो मिलनी चाहिए ना, वो क्या ऐसे खाना खाए और आ गए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। अभी वहाँ जाके अगर डांस नहीं किया सब हमारी बैंड बजाने वाले, लाउड म्यूजिक बोल रहे थे करें क्या। हाँ तो इस बार में भी प्लान करते हैं कि हम थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से आए हैं छोड़ के वहाँ से, हाँ पता नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग भी दिल्ली में हो तो अच्छा है, आप लोगों को लुक दिखा दूंगी, तो जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, फैमिली रेस्टोरेंट है, अगर आप लोग आपके साथ, हाँ फैमिली के साथ हो तो आप लोग जा सकते हो, बट म्यूजिक लवर हो और म्यूजिक चाहिए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो बस बाकी अच्छा था, और उनके एक और शायद खुल रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पर जाएँ। तो अभी मिलते हैं हम लॉट्स ऑफ ड्रिंक। तो फिर अब हम पहुँच गए लॉट्स ऑफ ड्रिंक। हमने ये इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस नहीं है दोनों रेस्टोरेंट के बीच में, तो इसलिए हमने लॉट्स ऑफ ड्रिंक। और यहाँ की वाइब्स ना बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बहन के बर्थडे पे हम लोग यहीं पे आए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहीं आए। लेकिन जो होना था वो तो पता ही है, क्योंकि मैंने पहले इन लोगों को बोला था कि वहाँ भी मैच ही चल रहा होगा, और ऐसा ही हुआ। बट अब क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह तो जाते नहीं। तो एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपका बर्थडे मैच के दिन पड़ रहा है तो आप कहीं मत जाइए, घर में मस्त मैच देखिए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। तो फिर भी ऐसा था कि यहाँ चलो कम से कम कुछ तो था, कि जब भी विकेट गिर रहा था पाकिस्तान का तो ये म्यूजिक चला रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। बट ऑब्वियसली हम लोग सबको भी मैच अच्छा लगता, और इंडिया पाकिस्तान का मैच किसको नहीं अच्छा लगता, तो हमने भी इन्जॉय किया, चलो दोनों ही इन्जॉय किया। ऐसा हो गया कि दोनों रेस्टोरेंट का हर सब चीज़ का मज़ा किया, तो ये भी एक अच्छा ही था, फन था। तो बस उसके बाद हमने खाना वाना खाने के बाद थोड़ा फ़ोटो शूट करवाया, पूरा ग्रुप फ़ोटो लिया एंड ऑल, यही सब किया। फिर वापस घर आए। घर आने के बाद जो मेरे भाई का फ्रेंड है, जो कि आनंद है, उसके बचपन का फ्रेंड है और मैं भी उसको बचपन से जानती हूँ, तो वो आते वक्त केक लेके आया था, जो कि ये दिख रहा है, ये आनंद। तो सबको फिर एक और केक कटा, तो ऐसा मैंने काटा दो केक, और ये मेरा नंगू पन्नू भाई जो कि हर बर्थडे पे नंगू रहता ही रहता है तो फिर हमने काटा केक। तो अब केक बहुत खा चुकी थी, तो अब मैं बोली कि चलो रख देते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। कहते एक, फिर हम लोग सब सोने गए। सोना क्या ही था, जो जो फ़ोटो वगैरह की लिखाई थी वो देख रहे थे। फिर नेक्स्ट डे पहुँचे ऑफिस, और ऑफिस में भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। तो इस तरह से मैंने काटे तीसरा केक, तो बहुत मज़ा आता है। और जब आपका बर्थडे होना, हर तरफ से सरप्राइज एंड गिफ्ट्स, तो बहुत मज़ा आता है। सबको मज़ा आता होगा आई थिंक, पता नहीं और सबको आता है कि नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा बर्थडे, मैं तो रटती रहती हूँ दिन भर कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे। और रात को मुझे ये फील भी होता है कि अरे मेरा बर्थडे जा रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, सबके साथ अपना बर्थडे मनाया, बहुत मज़ा आया। तो ये जो मेरे बर्थडे का लास्ट था, लास्ट मतलब मेरे बर्थडे को अलविदा कहने का, क्योंकि ये बर्थडे एक्चुअली मेरा बर्थडे एक्चुअली 4 सितंबर संडे को था, तो इस वजह से मेरा बर्थडे 5 सितंबर को, जो कि मंडे को मनाया गया था, तो बहुत मज़ा आया।
ये मेरे टीएल प्रदीप सर थे और इनको तो आप पहचानती हैं क्योंकि आपने पहले के वीडियो में देखे हैं। ये है मीशा और सोनम से आप नहीं मिले होंगे, सोनम, ये है सोनम। तो ये है हमारी गर्ल्स गैंग। तो इस तरह से मैंने इनको भी केक खिलाया और फिर ये देखिए, बिना बर्थडे की क्रीम लगाए तो कोई उपाय ही नहीं है। तो इतना ही नहीं था, इसके बाद भी इन्होंने खुरापाती की थी, मेरा पूरा फेस भर दिया था इस मीशा मैडम ने। तो अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अभी मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है ये ऑफिस और उसके बाद इतना सारा सरप्राइज़, मज़ा आया। और ये मैंने दिया था सबको लंच ट्रीट, बर्थडे लंच ट्रीट, तो हमने उसमें डोसा खाया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि मेरे भाई का बर्थडे आता है मेरे बर्थडे के एक दिन बाद, मतलब उसका बर्थडे आता है 6 सितंबर। यस, जबकि हम, मेरे और मेरे भाई में 6 ईयर का गैप है, बट संयोग से हमारा बर्थडे ऐसे ही आया हुआ है। तो हमने उसके लिए भी केक बेक किया था, ये आपको दिख रहा होगा जिस पे छोटे लिखा है, वो हमने बनाया था और वो उसके फ्रेंड ने भेजा था। तो इस तरह से उसने भी 2 केक काटे, ये देखिए, तो अलग ही जोन में उठा है ये। अभी ये जब ये सो के उठता है तो ये थोड़ी देर तक अलग दुनिया में रहता है, इसको वापस उस दुनिया में लाना पड़ता है। देखिए अब ये आ रहा है धीरे धीरे, हाँ आ गया। तो अब इसने केक काटने की तैयारी। इसके फ्रेंड का फोन आना शुरू हो गया था, मतलब 12 बजा नहीं, इसके जो चहेते, इसके जो जिगड़ी यार हैं उनका फोन आ गया। तो उनके फोन के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर कटवाया केक। तो इस तरह से केक कटवाया हमने। बट अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो कि इस केक के अंदर है, गेस कीजिए क्या हो सकता है। देखिए खुद ही खा रहा पहले, हे भगवान, ये ऐसा ही करता है, इसको केक का बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अब ये खिलाएगा सबको, ये रक्षाबंधन के दिन भी ऐसे करता है, आप खिलाओ ना खिलाओ ये पहले ही खा लेगा। उसके बाद हमने भी खा लिया और फिर एक के बाद इसके सारे फ्रेंड का कॉल आ रहा था, तो सबसे बीच बीच में बात भी कर रहे थे हम लोग रिकॉर्डिंग रोक रोक के। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ ऐवी रैंडम कुछ कुछ बोल रहे थे और हंस रहे थे। अभी मैं उसी का वेट कर रही हूँ, देखिए ये याद दिला रहा है मैं उसको कि कुछ इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। वाह, निकल गया, चलो निकल गया, निकल गया। अभी देखिए इसमें डाले थे हमने उसके लिए सरप्राइज, यस, इसको मिले हैं 1000 रुपीज। तो खुश हो गया बच्चा, इसको तो अभी एक गिफ्ट मिला है, अभी दूसरा गिफ्ट इसको और भी मिलने वाला है। तो बर्थडे है, इतना तो बनता है। ये था मेन बर्थडे का अंदर, जस्ट झट से पॉकेट में रख लिया। मेरी बहन बोल रही है नींद में भी इसको पैसे का याद रहता है। ये देखो, मतलब इतना केक कौन खाता है भाई, इतना केक खाया इसने। अभी दूसरा केक कट हो रहा है। इसके बर्थडे पे भी ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि ऑफिस था। तो वैसे हमारा प्लान था कि हम डिनर पे जाएंगे, बट ऑलरेडी इतना लेट हो गया था सबको ऑफिस से आते हुए, तो हमने बोला कोई ना किसी और दिन चलेंगे, अभी रहने देते हैं, फिर उसके बाद में ही चलेंगे, क्योंकि इतने थक के आने के बाद नहीं हो पाता फिर से तैयार हो और फिर चलो। तो हमने पोस्टपोन कर दिया प्रोग्राम को, फिर हम लोग गए नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा बताया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।